नमस्कार यम्मी पकवान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मथुरा का पेड़ा, जो कि खाने में बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने ले रखा है एक कटोरी मिल्क पाउडर, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। एक गिलास हमने दूध ले रखा, गिलास हमारा बड़ा है, थोड़ा आधा लीटर से थोड़ा कम है। 5 से 6 हमने ले रखा इलायची, इसको हमने दरदरी कूट लिया है। 6 से 7 हमने ले रखा पिस्ता, इसको हमने बारीक काट लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस हमने जला दिया है, गैस हमारी मीडियम जल रही है। हमने एक फ्राई पैन रख दिया, इसमें हम नीचे डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच, क्योंकि दूध हमारा तले में चिपके ना। अब हम डाल देंगे दूध, दूध हमारा कच्चा दूध है, पैकेट से हमने निकाला हुआ है। अभी आप उबला दूध ले सकते हैं। अब हम इसको पकाएंगे, दूध को हम आधा करेंगे पका के। दूध में हमारे उबाल आ गया है, दूध उबल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, हम 3 चम्मच डाल रहे हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर मीठा होता है। साथ ही हम चीनी डाल देंगे, ये पिघल जाए, क्योंकि ये पानी छोड़ती है। अब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। इसको दूध से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि दूध ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा, इस करके हम मिल्क पाउडर से बना रहे हैं। आप देख सकते हैं दूध हमारा पक चुका है, दूध हमारा आधा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, गैस हम बंद कर देंगे इस टाइम पर। इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। अगर हम खाली खोआ से बना रहे हैं दूध पका के, तब मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं है। अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो ये पेड़ा जरूर बनाएं आप लोग। इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे सारा। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, जो हमने कूट के रखा है। इसमें हमने 1 चम्मच डाला हुआ है नारियल का बुरादा, आप डाल सकते हैं चाहे तो, ना चाहे तो ना डालें। अब हम इस टाइम पर गैस बंद कर देंगे, तो इसको ठंडा करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घी, ताकि नीचे चिपके ना। बस इसको हम चलाते रहेंगे, ठंडा कर लेंगे, फिर हम पेड़ा बनाएंगे। हमने 1 प्लेट में निकाल लिया था, ठंडा हो गया है। अब हम इसमें हाथ लगा सकते हैं, इसको हमने फ्रिज में डाल दिया था। अब हम इसका बनाएंगे पेड़ा, छोटा बड़ा आप अपने पसंद से बना सकते हैं। जो हमने बेटर बनाया था पेड़े के लिए, वो ठंडा हो गया था। हमने पेड़ा बना लिया है अच्छी तरह, और आप लोग भी बनाएं, बना के देखें, टेस्ट करें। बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।